आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह की राजनीति से लोकतंत्र में जनता को क्या हासिल होता है। कल तक नीतीश कुमार जिन विपक्षी दलों के खिलाफ खुलकर राजनीति कर रहे थे, आज वही पार्टियां सत्ता के केंद्र बिंदु में आ गई है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि राजनीति में अचानक से सब कुछ बदल जाता है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का टकराव बढ़ा तो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने पर सहमति दे दी। ये असल में वैचारिक बेईमानी है जिसमें नेता अगर यू टर्न भी ले लें तो भी उनकी गाड़ी सत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जिस लोकतंत्र में लोगों को असली राजा कहा गया, उन लोगों के पास इस तरह की सहूलियत नहीं होती। आज बिहार की लगभग 12.5 करोड़ आबादी का क्या सोच रही होगी, जरा उसका भी आकलन कीजिए। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, यानी जब बिहार के लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर गए तो उनके सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प नीतीश कुमार और बीजेपी का था और दूसरा विकल्प आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का था। लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना कीमती वोट जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को दिया और ये गठबंधन चुनाव में विजय होकर सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसलिए आज जब नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा के अनुसार इस गठबंधन से अलग होकर उन पार्टियों के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है जो चुनाव में उनके खिलाफ खड़ी थी, तब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बिहार के 12.5 करोड़ लोगों के साथ हुई बेईमानी नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? असल में हमारे देश में डेमोक्रेसी नेताओं की सहूलियत के हिसाब से चलती है, वरना सोचिए क्या यू टर्न वाली ये सुविधा 140 करोड़ भारतीयों के पास है? हमारे देश में लोग 5 साल में अपना कीमती वोट देकर सरकारें बना और गिरा तो सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से एक बार वोट देने के बाद यू टर्न नहीं ले सकते। अगर कोई चुनी हुई सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं करती या जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो लोग अपने वोट पर यू टर्न नहीं ले सकते। वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जिस पार्टी को चुनकर सरकार में भेजा था वो उसे हटाकर एक नई सरकार का गठन करना चाहते हैं, और यू टर्न लेने की ये सुविधा उनके पास भी होनी चाहिए। वैसे इस तरह की व्यवस्था को राइट टू रिकॉल कहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल का कानून है, यानी लोग एक निर्धारित समय अवधि के बाद एक प्रक्रिया के तहत पंचायत स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा स्तर पर ऐसी कोई शक्ति भारतीय वोटर्स के पास नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और हम जैसी पार्टियों से सहयोग लेने पर सहमति दे दी है, और इसके बाद राज्य में चर्चा तेज है कि गृह मंत्रालय जैसे कुछ बड़े और महत्वपूर्ण विभाग आरजेडी को मिल जाएंगे। विधानसभा में स्पीकर का पद कांग्रेस को मिल जाएगा और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को भी सरकार में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। यानी अगर आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस राजनीति में सबके लिए कुछ न कुछ है। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, लालू यादव की पार्टी और उनके बेटों को सरकार में मंत्री पद मिल जाएगा, कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी सरकार में जगह मिल जाएगी और हमारे देश के मीडिया को भी कुछ दिनों के लिए चटपटी राजनीतिक खबरें और नेशनल हेडलाइन मिल जाएंगी। लेकिन आपको इस राजनीति से कुछ हासिल नहीं होगा, और यही बात आज आपको समझनी है। बिहार के इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब बीजेपी के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यही है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है जिसका लोगों पर गहरा असर हो, और यही वजह है कि वर्ष 2020 के चुनावों में बीजेपी ने 74 सीटें जीतने के बाद भी 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था। बिहार में बीजेपी की स्थिति को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वो ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को आसानी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई थी, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना से 2 गुनी सीटें जीतने पर वो शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी के सामने
दूसरी चुनौती है लालू यादव। बीजेपी बिहार में लालू यादव की ताकत को निष्क्रिय करने में नाकाम रही है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप साबित हुए हैं और वो आज आधे से ज्यादा समय अस्पताल में रहते हैं। बिहार में आरजेडी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लालू यादव की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 75 सीटें जीती थी, यानी आरजेडी को 75 सीटें मिली और आज राज्य में उनके विधायकों की संख्या 79 हो गई है। 4 AIM के जो विधायक बने थे वो अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी बिहार में लालू यादव के पावर बेस को कमजोर नहीं कर पाई है। जेडीयू के पास नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा नेता है जिनकी स्वीकार्यता सभी राजनीतिक पार्टियों में है, और ये बात तो स्पष्ट तौर पर बार बार दिखी भी है। और बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार ना बनाई हो, इसलिए नीतीश कुमार की यह स्वीकार्यता भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और बिहार में जो जातिगत राजनीति है, जो सोशल इंजीनियरिंग वहां होती है, वो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मंडल को मंदिर की राजनीति से बदला, उसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग वो बिहार में नहीं कर पाई। बीजेपी बिहार के उस जातिगत समीकरण को अब भी नहीं तोड़ पाई जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार को माहिर खिलाड़ी माना जाता है। तो ये वो चुनौतियां हैं जिनसे बीजेपी को निपटना है।